Good morning, students. Welcome to all of you in IBN School online classes. Students, last time we studied about the functions of management. Functions of management. Management have five functions. Five functions को study किया था अपने last time. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक? इन five functions के combination से management क्या होता है? Create होता है. Management बनता है. जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन. देखो कोऑर्डिनेशन मींस क्या होता है ना, इसके नेम से पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट करना. देखो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज क्या होती है, रन होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेजिंग एक्टिविटीज है, सेलिंग एक्टिविटीज है, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, ठीक है. और ये जो एक्टिविटीज है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू क्या होती है, भी कंप्लीट होती है, ठीक है. तो इन सभी एक्टिविटीज को क्या करना, भी कोऑर्डिनेट करना, ठीक है. इन सभी एक्टिविटीज को क्या करना, एक दूसरे से क्या करना, भी कोऑर्डिनेट करना ही क्या होता है, भी कोऑर्डिनेशन बनते हैं. इसका एक मीनिंग अगर अपन देखें तो वो क्या होता है, भी इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज established among different activities. Harmony is established among different activities. मतलब different activities में क्या करना, भी harmony established करना, ठीक है. Harmony established in different activities of an organization, ठीक है. Organization की जो different activities है उनमें क्या करना, एक तरह से कोऑर्डिनेशन का करना, उन एक्टिविटीज को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना या उनमें हार्मनी एस्टैब्लिश करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड. जिससे क्या हो, भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अपन क्या कर सके, सक्सेसफुली क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, भाई डिफरेंट टाइप्स की जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परचेजिंग एक्टिविटीज है, सेलिंग एक्टिविटीज है, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज है, मार्केटिंग एक्टिविटीज है, तो उन डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या करना, हार्मनी एस्टैब्लिश करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, वो क्या होता है, भी कोऑर्डिनेशन होता है. क्योंकि जब तक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या होगा, भी हार्मनी एस्टैब्लिश नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगी, उनमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं होगा, कोऑर्डिनेट नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव्ड नहीं होगा. तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, भाई कोऑर्डिनेशन क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या करता है, हार्मनी एस्टैब्लिश करता है, उन एक्टिविटीज को एक दूसरे से कनेक्टेड करता है, चाहे वो परचेजिंग एक्टिविटी हो, सेलिंग एक्टिविटी हो, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी हो, और ऑल एक्टिविटीज को क्या करता है, भी एक तरह से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है. वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, या हार्मनी एस्टैब्लिश करना, ठीक है, वो क्या होता है, अपना कोऑर्डिनेशन होता है. देखो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या होता है, भी उसके लिए ये भी बोला गया कि कोऑर्डिनेशन मैक्स 2+2=5 पॉसिबल. इट मींस कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या हो सकता है, भी कोई भी पर्टिकुलर वर्क है, अगर कोऑर्डिनेटर विदाउट कोऑर्डिनेशन अगर अपन कोई भी वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उसका एक बेटर रिजल्ट जो है वो अपने को अचीव्ड नहीं हो सकता है. लेकिन बट अगर कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन के में, अगर हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एक्टिविटीज में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो भी अपना डिजायर या फिर अपने जो भी टारगेट रखा है, उस टारगेट को अपन बहुत ही बेटर वे में क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन मेक्स 2+2=5 पॉसिबल. ये 2+2=5 क्या करता है, उसको भी पॉसिबल बनाता है, ठीक है. 2+2=4 होते हैं, बट ये अगर कोऑर्डिनेशन है तो जो भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क अपन कर रहे हैं वो और बेटर वे में क्या हो सकता है, कंप्लीट होगा, ठीक है. तो वो क्या होगा, अपना कोऑर्डिनेशन होता है. कोऑर्डिनेशन की तो अगर क्विंटस होए कि अपने जो क्विंटस एम ओडोनेल के अकॉर्डिंग भी एक उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन को क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. क्विंटस एम ओडोनेल ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. ये क्या होता है, एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. इट मींस कि को
कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हर एक फंक्शंस में होता है। मैनेजमेंट के क्या होते हैं? 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हर एक फंक्शन में, चाहे वो प्लानिंग हो उसमें भी इंक्लूड होगा, ऑर्गेनाइजेशन में भी इंक्लूड होगा, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में एंड कंट्रोलिंग, इन ऑल 5 फंक्शंस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, एक एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट माना जाता है। इसको एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट माना है। मैनेजमेंट का एक सबसे एसेंस पार्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या किया है, शो किया है इसको, कोऑर्डिनेशन को। किसने क्या किया है? कुंटस एवं ओडोनेल जो है, कुंटस एंड ओडोनेल जो है, उन कुंटस एंड ओडोनेल ने इसको क्या कहा है, भी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, भी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट या एक एसेंस पार्ट क्या होता है, मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो ग्रुप एफर्ट्स ये बोल रहा है कि ये क्या करता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। ठीक है, अब उनका जो ग्रुप एफर्ट है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनका एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, और उस कॉमन गोल के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट जो एम्प्लॉइज है या वर्कर्स क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, उनको एक दूसरे से क्या करना, कनेक्टेड करना कि वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए क्या करें, वर्क करें। ठीक है, बोलने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या है, कॉमन गोल है। ठीक है, और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए क्या करना होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। ये एक तरह से जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या करता है, एक तरह से उस ग्रुप में क्या करता है, कोऑर्डिनेट, उस ग्रुप को कोऑर्डिनेट करता है, उस ग्रुप को एक दूसरे से कनेक्टेड करता है, जिससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एक तरह से इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स में क्या करता है, ग्रुप्स में क्या करता है, कोऑर्डिनेट क्रिएट करता है या उनको कनेक्टेड करता है, जिससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सके। ठीक है, सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन ensure unity of action. Coordination ensure unity of action. हाँ, ये क्या करता है, एक तरह से यूनिटी को भी क्या करता है, डेवलप करता है। यूनिटी का मतलब एकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो वर्क है या एक्टिविटीज है वो क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट का सेलिंग से कनेक्शन, सेलिंग का प्रोडक्शन से डिपार्टमेंट, मतलब हर एक जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है वो क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है।
तो उससे क्या होता है भाई, एक तरह से कनेक्शन होगा, तो वो किसके बेसिस पे होगा, कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे होगा, और उससे क्या होगा, उनमें यूनिटी भी क्या होगी, भी डेवलप होगी, ठीक है ना। उनकी हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक एक्टिविटी में, हर एक एम्प्लॉइज में क्या होगा, यूनिटी, जो एकता है, यूनिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर क्या करेंगे, वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूनिटी भी क्या होती है, उनकी कोई भी वो पर्टिकुलर एक्शन करेंगे या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करेंगे, तो वो यूनिटी से क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को फुलफिल करेंगे। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है भाई, यूनिटी ऑफ एक्शन, कोई भी पर्टिकुलर एक्शन लेने में क्या करता है, यूनिटी को भी क्या करता है, एक तरह से क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है उनमें कॉम्बिनेशन बनता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और उससे क्या होता है, उनमें यूनिटी डेवलप होती है, और उस यूनिटी के बेसिस पे वो कोई भी पर्टिकुलर वर्क को क्या कर सकते हैं, इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्शन में भी क्या करती है, यूनिटी को डेवलप करती है। कौन करता है भी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होता है, एम्प्लॉइज में यूनिटी को भी क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट मींस क्या है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंटिन्यू रन होता है। इट मींस कि कोऑर्डिनेशन जो है प्लानिंग से स्टार्ट होता है, प्लानिंग में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में भी, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग से लेकर डायरेक्ट कंट्रोलिंग पे क्या होता है, अभी कोऑर्डिनेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन में क्या होता है, अभी कोऑर्डिनेशन अब्सेंट है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक होगी, या जो आप ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो इजीली अचीव नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अभी कंटिन्यू रन होता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस करता है, कहाँ से, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक, जब तक अपने को अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है, जो अपना गोल अचीव नहीं होता है, तब तक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रन होता रहता है। तो ये बोला है कि कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यू मतलब प्लानिंग से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी प्लानिंग से जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, और कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग जो अपना लास्ट फंक्शन होता है, तो यहाँ तक क्या होता है, अभी ये क्या होगा, अभी रन करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे कि कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। जब तक अपने को क्या होगा, अपना गोल जो अपना है अचीव नहीं होता है, तब तक क्या होगा, अभी कोऑर्डिनेशन रन होता रहेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन रन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस करता है, तब जैसे प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग तक क्या होता है, ये रन होता है। कब तक होता है, जब तक अपने को अपना एक डिजायर्ड गोल चाहिए, डिजायर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या नहीं हो, अचीव नहीं हो, तब तक क्या होगा, अभी ये रन होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है वो है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल प्रिवेसिव इज एन, देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शन। ऑल प्रिवेसिव मींस कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शन। ऑल प्रिवेसिव मतलब सभी जगह होना, ऑल प्रिवेसिव, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज ऑल प्रिवेसिव फंक्शंस।
और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या होता है, सभी जगह होता है. इट मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोई भी अगर है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन इज ऑब्लिगेटिव. कोऑर्डिनेशन क्या होगा, सभी जगह होगा. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हर एक जगह होती है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो. ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन हो. ठीक है, उनमें क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर मैनेजमेंट या एक गोल को अचीव करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, गुंटा जोड़ो ने बोला है कि कोऑर्डिनेशन इज द सेल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या होता है, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, तो चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस, कोऑर्डिनेशन इज ऑल प्रिवेसिव, कोऑर्डिनेशन इज एवरीवेयर. ठीक है, कोऑर्डिनेशन सभी जगह कंपल्सरी होगा. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फोर्थ फंक्शन होता है कि कोऑर्डिनेशन इज एन ऑब्वियसली फंक्शंस. ये क्या होता है, सभी जगह होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, एंड फिफ्थ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, वो है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. देखो आप, कोऑर्डिनेशन Coordination is the responsibility of, which का जो इसका characteristics है, coordination is the responsibility of all managers. Coordination is the responsibility of all managers. All managers means three types of managers होते हैं. आपको पता है कि management have three levels: top level, middle level, and lower level. आपको management की level study आपने किए थे कि how many levels of management? So management have three levels: top level, middle level, and lower level. ठीक है? Top, middle, and lower. मैनेजमेंट हैज थ्री लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. ठीक है, जितने भी चाहे टॉप लेवल के मैनेजर्स हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स हो, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन उनकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हो, चाहे वो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हो या लोअर लेवल के, एवरी मैनेजर की क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किनकी, जितने भी लेवल के मैनेजर्स हैं, चाहे वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल हो, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करना चाहिए, उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. हर एक मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एवरी मैनेजर के लिए क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है या मस्ट होता है कि किसको फुलफिल करना, फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलेटेड टू रिलेटेड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना एवरी मैनेजर्स की क्या होती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना एवरी मैनेजर्स का क्या होता है, फिर के लिए क्या होता है, मस्ट होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फिफ्थ फंक्शन, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभी कोऑर्डिनेशन इज ए डिलीबरेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन इज ए डिलीबरेट फंक्शन. Coordination is a deliberate. Coordination is a deliberate function. ठीक है, देखो क्या होता है इसका. Deliberate का मतलब क्या होता है, जानबूझकर करना. कोई भी चीज
एक तो क्या होता है ऑटोमेटिकली होती है और एक अपन उसको करते हैं, तो डेलीग्रेट फंक्शन है ये, लेकिन कोऑर्डिनेशन इज ए डेलीग्रेट फंक्शन, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जैसे कॉपरेशन होता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कॉपरेशन तो क्या होगा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, बट कोऑर्डिनेशन इज ए डेलीग्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करना होगा अपने को, डिलीबरेटली क्रिएट करना होगा, जानबूझकर करना होगा। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले कि कोई टीचर है वो क्या करना चाहता है, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, कि वो स्टूडेंट्स को क्या करता है अभी एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है करवाना, बट वो क्या हो गया, वो तो हो गया कोऑपरेशन, ठीक है, हो गया कोऑपरेशन, क्योंकि वो सेल्फ उस चीज़ के लिए क्या रेडी है। बट स्कूल का जो टाइम टेबल है, क्लास टाइम टेबल है, वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर किस चीज़ का एब्सेंस हो रहा है, कोऑर्डिनेशन का एब्सेंस है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है ना। तो कोऑपरेशन तो है कि टीचर्स एजुकेशन के लिए रेडी है, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी है, बट टाइम टेबल इज नॉट रेडी, ठीक है, बट टाइम टेबल क्या है, रेडी नहीं है, तो वहाँ पर किसका, किसकी एब्सेंस है, कोऑर्डिनेशन की क्या है, एब्सेंस है। इसलिए बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इज डिलीबरेट फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन को अपने को डिलीबरेटली स्टार्ट करना होगा, उसको क्रिएट करना होगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसको अपने को क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना होगा, उसको डिलीबरेटली स्टार्ट करना होगा, उसको जानबूझकर उसको अपने आप अपने को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज वो सेल्फ डेवलप्ड नहीं होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन इज डिलीबरेट फंक्शन, इट मींस कोऑर्डिनेशन को अपने को ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा या सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए अपने को क्या करना होगा, उसको डिलीबरेटली क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा, जानबूझ के उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे अगर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि भी कोई भी टीचर अगर बेटर एजुकेशन दे रहा है तो वो के लिए रेडी है, तो वो कोऑपरेशन है, बट अगर टाइम टेबल ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है या टाइम टेबल रेडी नहीं है, तो वो क्या अपनी बेटर एजुकेशन कैसे देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का क्या, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एब्सेंस होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द डिलीबरेट फंक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, डिलीबरेटली होता है, जानबूझ के होता है। नेक्स्ट ये तो हो गया अपने इसके सिक्स कोऑर्डिनेशन के सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए। अब देखो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, उसमें जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इम्पोर्टेंस हो गया अपनी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो देखो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स क्या करते हैं, अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं, तो उन सबकी जो जो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं, उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, अभी वर्किंग एक्टिविटीज होती है, उनकी पर्सनल नीड्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, और तो उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, बिहेवियर है, ठीक है, उनके अंदर कोऑर्डिनेट क्रिएट, उनको क्या करना, भी कोऑर्डिनेट करना किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एक जो एक मेन ऑब्जेक्टिव के लिए उनको क्या करना, भी कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि एवरी employees and every workers have a different needs, have a different activities and behaviors, but coordination is the important part of the size of the organization, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की साइज में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज की जो एक्टिविटीज है या बिहेवियर है या जो उनकी जो उनका जो नेचर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक्टिविटीज को रन करने का जो वर्क है वो क्या होता है, डिफरेंट है। और उनकी एक्टिविटीज को क्या करना, कनेक्टेड करना, ठीक है, उनको एक कॉमन गोल के लिए क्या करना, रेडी करना, ये किसका वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके लिए एक कॉमन एक प्लान या एक डिजायर्ड गोल के लिए उसको क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस आती है वो आती है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो क्या होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब, देखो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में परचेजिंग वर्क है, सेलिंग वर्क है, एडवर्टाइजिंग वर्क है एंड प्रोडक्शन वर्क है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे वो परचेजिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सेलिंग से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या मार्केटिंग से रिलेटेड हो, डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, ठीक है। और एवरी उनमें जितने भी डिफरेंटेड वर्क है उनमें कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होता है, उनको कनेक्टेड होते हैं। जितने भी वर्क है वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो सेलिंग से कनेक्टेड होता है, सेलिंग जो है वो प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है। एवरी डिपार्टमेंट टू कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर वो कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या नहीं होगा अभी, या डिफरेंट डिफरेंट वर्क में क्या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस है उनमें क्या होता है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। उनको कनेक्शन किसके थ्रू होता है, वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। कोऑर्डिनेशन ही क्या करता है, उन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक। एंड लास्ट जो अपना इंपोर्टेंस है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्योंकि स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट बनना। स्पेशलाइजेशन मीन्स देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क जो है उसको क्या करते हैं, कोई भी वर्क है उसको सब मतलब जो भी डिपार्टमेंटल है उस वर्क, कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट का, तो उनके जो सब डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, सब डिपार्टमेंट जो उसके अंडर के जो डिपार्टमेंट है उनमें उस वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और वो डिवाइडेशन जो होता है वो एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट और उनके एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट और उनके नेचर और उनकी उनका किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, उस वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसी का अगर किसी वर्क में अगर इंटरेस्ट है तो उसको उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, वर्क डिवाइडेशन होता है। फिर उससे क्या होता है, वो स्पेशलाइजेशन मतलब वो अगर उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होगा भी वर्क प्रोवाइड होगा तो उससे वो क्या होंगे, अपने वर्क में क्या होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, ठीक है। तो वो और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उन डिवाइडेशन उन वर्क में जो डिवाइडेशन हुआ है, जो डिफरेंशिएशन हुआ है, डिवाइडेशन अपने किया है, उनको एक दूसरे से क्या रखता है, कनेक्टेड रखता है। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपन स्पेशलाइजेशन को भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो कोई भी पर्टिकुलर वर्क जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज में या डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स में क्या कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट और उनके उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिससे वो अपने पर्टिकुलर वर्क में क्या हो भी स्पेशलिस्ट बने, ठीक है, उनको स्पेशलाइजेशन अचीव हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं अपने इम्पोर्टेंस होते हैं, मैनेजमेंट हैव थ्री फंक्शंस, थ्री इम्पोर्टेंस, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है, नोट्स आपको सेंड हो जाएगा, ठीक है।